अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फहीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो हम आप लोग भी वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो है स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट और सर्वा इस्लामिक टर्म डिपॉजिट से रिलेटेड कि इन दोनों में कौन सा बेहतर है। अच्छा, चूँकि सर्वा जो है वो आप एक साल के लिए भी ले सकते हैं, 3 साल के लिए भी ले सकते हैं और 5 साल के लिए भी ले सकते हैं, सर्वा इस्लामिक टर्म डिपॉजिट अकाउंट। लेकिन चूँकि हम इसको स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट से कंपेयर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट जो है वो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट से बेहतर है, तो सर्वा में एक साल का जो प्रॉफिट हो तो बहुत ज़्यादा तकरीबन 21% है, तो हम एक साल का प्रॉफिट को कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम 3 साल के प्रॉफिट को देखेंगे क्योंकि हमारे पास जो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट है ये भी 3 साल के लिए ही बुक होता है। तो हम 3 साल को 3 साल के कंपेयर करेंगे कि सर्वा इस्लामिक में क्या एडवांटेजेस हैं और स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो हम एक साल को कंसीडर नहीं करते, हम 3 साल को 3 साल से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि हमें सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में क्या फ़ायदा मिलता है। अच्छा, एक चीज़ तो दोनों में सेम है, सर्वा में भी और एसएससी में भी, कि प्रॉफिट जो है दोनों में अगर आप 3-3 साल के लिए बुक करवाते हैं तो प्रॉफिट आपको हर 6 महीने पर मिलेगा अगर आप 3 साल के लिए सर्वा बुक करवाते हैं। और इसी तरह स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट तो होता ही 3 साल के लिए, तो उस पर भी हर 6 महीने पे आपको प्रॉफिट मिलता है। लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि जो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट है वो टोटली जो है वो गैर शरई है, मतलब उसका जो मुनाफा है वो सूद है, टोटली सूद है, उस पर किसी आलिम का फतवा मौजूद नहीं कि वो हलाल है, उसको हर शख्स ये कहता है वो टोटली सूद है। लेकिन ये सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट है, अगर आप ये 3 साल के लिए लेते हैं तो ये जो है इस पर उलमाओं का और मुफ्तियों का फतवा भी मौजूद है कि ये जो सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट है इसका जो प्रॉफिट है वो हलाल है, वो हराम नहीं है, वो सूद नहीं है। तो एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये हो गया कि सर्वा इस्लामिक का जो प्रॉफिट होगा वो हलाल होगा और स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का जो प्रॉफिट है वो सूद होगा, हलाल नहीं होगा। अब हम चलते हैं इसकी कैलकुलेशन की तरफ। अच्छा, सर्वा इस्लामिक और स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट के से रिलेटेड डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, तो हम इसकी डिटेल्स की तरफ नहीं जाते कि किस तरह आप ले सकते हैं और क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंस क्या है। तो इसका मैंने एक्सेल शीट तैयार किया, देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, ये पहला सर्वा है और दूसरा स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट है। अच्छा, जो सर्वा इस्लामिक का प्रॉफिट रेट है वो 18.33% है 3 साल के लिए, ठीक है, और जबकि स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का जो प्रॉफिट रेट है वो 18.20 यानी कि 13.13% जो है वो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का कम ही है, जबकि वो इस्लामी नहीं, गैर इस्लामी मतलब सूद है। तो यहाँ पे तो एक दूसरा बड़ा एडवांटेज हो गया, एक तो सर्वा जायज़ मुनाफा है, इसका हलाल मुनाफा है, एसएससी का हलाल मुनाफा नहीं है, और दूसरा ये कि सर्वा का प्रॉफिट रेट भी जो है वो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट से ज़्यादा है। अब इसको ज़रा आपस में कंपेयर कर लेते हैं। देखें, आपको साल का प्रॉफिट जो सर्वा का मिलेगा वो 18,330 रुपये मिलेगा, जबकि स्पेशल सेविंग का मिलेगा 18,220 रुपये मिलेगा, यहाँ पर फ़र्क आ गया, ठीक है। अच्छा, सर्वा का जो प्रॉफिट मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1,528 रुपये बन रहा है, जबकि जो इसका बन रहा है स्पेशल सेविंग का 1,518 रुपये। अच्छा, टैक्स कटेगा सर्वा पे 239 रुपये और स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट पे 228 रुपये, ठीक है। और सर्वा इस्लामिक पे जो आपका मंथली प्रॉफिट बन रहा है, चूँकि मंथली नहीं मिलेगा, हर 6 महीने पे मिलेगा, तो 1,298 रुपये यानी तकरीबन 1,300 रुपये जो है वो सर्वा का प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट मंथली बन रहा है, जो हर 6 महीने पर आपको 6 महीने ऐड करेंगे तो मिल जाएगा, जबकि स्पेशल सेविंग का 1,291 रुपये, 8-10 रुपये का डिफरेंस ही है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि एक तो इसका रेट ज़्यादा है और दूसरा ये कि हलाल है, ठीक है। तो ये 1,300 रुपये जो सर्वा पे आपको मिलेगा प्रॉफिट मिल रहा है, मंथली बन रहा है प्रॉफिट 1,300 रुपये, और जो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट बन रहा है 1,290 रुपये बन रहा है। अच्छा, ये बात कर रहे हैं हम फाइलर की। अगर हम बात कर लें नन फाइलर की, तो नन फाइलर पर जो आपका साल का प्रॉफिट बनेगा सर्वा का वो बन रहा है 18,330 रुपये, जबकि स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का बन रहा है 18,220 रुपये।
मंथली प्रॉफिट बन रहा है सर्वा का 1528 रुपये, जबकि स्पेशल सेविंग का बन रहा है 1518 रुपये, और जो टैक्स लग रहा है सर्वा पे 2458 रुपये लग रहा है, जबकि इस स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट पे लगा 456 रुपये, और सर्वा का प्रॉफिट बन रहा है 1070 रुपये महाना, और जो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट 1063। अगर आप नन फाइलर है यानी कि 30% अगर आप टैक्स भरेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है कि एक तो प्रॉफिट रेट थोड़ा बेहतर है, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट से ज़्यादा बेहतर है स्पेशल सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट का, और प्रॉफिट भी जो है वो हलाल है। तो हमारी सजेशन आप लोगों को यही होगी कि आप स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसे रखने के बजाय हलाल एक ही प्रोडक्ट है नेशनल सेविंग की सर्वा जो इस्लामिक है, तो हमारा सजेशन आप लोगों को यही होगा कि आप जो है वो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसे ना रखवाएं बल्कि सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में रखवाएं, ताकि आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिले और प्रॉफिट भी आपका हलाल हो। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से कि हमारा नया चैनल अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जब हम आप लोग वीडियोज़ बना रहे हैं चाहे नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।